students, myself Anita Shokan, and today we are discussing about equilibrium of firm in perfect competition. कि perfect competition में firm का equilibrium कैसे होता है? तो देखिएगा, perfect competition के बारे में हम पहले जान चुकी थी, वो क्या होता है, क्या इसकी features होती हैं, क्या होता है हमारा producer का aim maximum प्रॉफिट गेन करना होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी मिली जुली शक्तियां क्या करती हैं, कीमत को डिटरमाइन करती हैं। लेकिन इस बात का भी काफी इफेक्ट पड़ता है कि किस प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर है, कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर इस बात का भी प्राइस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो प्रोड्यूसर चाहे वो किसी प्रकार की मार्केट में कार्य करता हो, उसका एक ही एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना वो चाहता है, लेकिन जिस प्रकार हमने कहा ना, कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। लेकिन क्या होता है, कंज्यूमर जब बिहेव करता है वो अलग सोचता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है, प्रोड्यूसर जब बिहेव करता है तो वो देखता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बिहेव करूं, तो इस पर निर्भर करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। कि मोनोपोली है तो मेरी मनमानी चल सकती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो मनमानी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब का उसको पहले से क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वो किस प्रकार की मार्केट में कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, वो हमारे दो प्रकार का हमारा टाइम पीरियड होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है, दूसरा लॉन्ग पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड में हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक बड़े साधन होते हैं, दूसरे परिवर्तनशील होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स्ड क्या होते हैं, जो उत्पादन की मात्रा के साथ जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, एज इट इज रहेंगे। यदि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके कर सकते हैं। जिस तरह लेबर है, लेबर की मात्रा को हम बढ़ा देंगे, जबकि हमारा प्लांट है या हम मशीनरी कह लो या हम जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, नहीं कोई नया प्लांट लगा सकते, इतना टाइम नहीं है, दो घंटे तीन घंटे का टाइम नहीं, ये एक ऑपरेशनल पीरियड होता है। वेरिएबल फैक्टर क्या है, जो उत्पादन के बढ़ाने पर जिसकी मात्रा, उत्पादन बढ़ने पर जिसकी मात्रा को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उत्पादन घटाना है तो उसकी मात्रा को इंक्रीज करते हैं। मोस्टली ये हमारा क्या होता है, लेबरर इसमें आते हैं। तो क्या होता है हमारा, कब इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा, तो देखिएगा शॉर्ट रन में दो प्रकार की हमारी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड फैक्टर पर जो कॉस्ट की जाती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमारी कौन सी आ जाती है, ये हम पहले देख चुके हैं कि जिस प्रकार से बिल्डिंग का किराया है, लाइसेंस फीस है, ये फिक्स्ड कॉस्ट में आ गई। वेरिएबल कॉस्ट में हमारी क्या है कि हर रोज के जो खर्चे हैं, कच्चे माल वगैरह पर जो रिपेयरिंग वगैरह है, कि बिजली है, यूज की तो खर्चा या नहीं की तो नहीं आया, तो उस प्रकार के खर्चे या जो हर रोज के जो कर्मचारियों को पेमेंट करनी होती है वो इसमें आते हैं। तो ये हमने देख लिया। लॉन्ग रन में क्या होता है, बहुत समय की अवधि इतनी होती है कि कोई भी फैक्टर, इसमें भी दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक हमारा क्या होता है वही फिक्स्ड और दूसरा हमारा होता है वेरिएबल। तो वह फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सभी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। इन फैक्टर्स को भी हम जितना चाहें उतना ही चेंज कर सकते हैं, जितना चाहें नया प्लांट लगा सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेरिएबल में तो है ही हमारे पास, इसमें हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है। तो अब हमारा हम देखेंगे कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में कोई फर्म इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है, और कौन सी मार्केट में, वो भी हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो देखिएगा शॉर्ट पीरियड में जो हमारी, हम क्या कह सकते हैं, फर्म के इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेज हैं। एक पहली अप्रोचेज है हमारा टीआर एंड टीसी अप्रोच, टीआर एंड टीसी अप्रोच। दूसरी है हमारी MR and MC approach। तो पहले हम देखेंगे TR and TC approach, कुल आय और कुल लागत लिखी। तो देखिएगा कुल आय क्या होती है हमारा,
कि जितना हमने उत्पादन किया है उसको उसकी कीमत से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी कुल आय होती है, कि कुछ निश्चित इकाइयों के बेस में से जो आय होती है उसका जो हमारा क्या कहलाता है, कुल आय कहलाता है। कुल लागत कि निश्चित इकाइयों का उत्पादन करने के जो कुल खर्चे करने पड़े वो हमारा कुल लागत हो। इन दोनों का अंतर जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। तो हमारा एक ये देख लीजिए कि फर्म क्या है, मात्रा है, ये प्राइस है, एक दो तीन चार। प्राइस तो क्या है, उद्योग ने निर्धारित कर दी कि वो 10-10 है। इस पर कोई फर्म जितना चाहे आउटपुट बेच सकती है, लेकिन प्राइस हम देख चुके हैं कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस किसने डिटरमाइन की, ये सप्लाई है, ये डिमांड। जहां पर सभी फर्मों की डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, ओपी हमारी, इस साइड हम प्राइस लेते हैं, इस साइड क्वांटिटी लेते हैं, ओपी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू हमारी क्या है, संतुलित मात्रा है, ई संतुलन का बिंदु है। तो सभी फर्मों की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होती है वो 10 रुपए कीमत पर बराबर हुई। तो उद्योग ने सभी फर्मों को कह दिया भाई आपको कीमत 10 ही लेनी है, चाहे आप इस कीमत पर, चाहे कोई उद्योग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे कोई सॉरी इंडस्ट्री सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, चाहे कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, चाहे कोई लॉस उठा ले, पर वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो टीआर कितना हुआ हमारा, तो एक मात्रा बेची 10 रुपए, दो मात्रा बेची 20 रुपए, तीन मात्रा बेची 30 रुपए, चार मात्रा बेची 40। क्योंकि क्या होता है, पी मल्टीप्लाई क्यू कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टीआर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब हमने देखना है टीआर और टीसी का अंतर जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। तो पाई प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टीआर माइनस टीसी, ये कुल हम क्या कर सकते हैं, कुल आय में से कुल लागत को घटा देते हैं। अब कुल लागत में हमारी दोनों प्रकार की लागत आती है, क्योंकि हमने क्या देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेज हैं। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या है, टी आर माइनस टी सी में हमारी क्या आती है, एफ सी प्लस में बी सी, दोनों ही कोस्ट शामिल होती हैं। तो देखिएगा ये हमारी 45 डिग्री की रेखा है टी आर, तो इस साइड आप टी आर एंड टीसी, इस साइड आप लोग आउटपुट, ओ एक्स एक्स पर हमने आउटपुट लिया ये। तो देखिएगा ये मेरी टीसी, तो देखो टीसी टीआर तो हमारी क्या हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। जीरो मात्रा बेचोगे तो आमदनी क्या होगी हमारी, जीरो होगी, और ये सेम रेशो से बढ़ रही है 45 डिग्री की, तो ये समांतर से बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, क्योंकि प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगी। तो वो 45 डिग्री की रेखा हमारी क्या बताती है, टीआर बताती है। लेकिन टीसी पहले क्या हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट है, इसका मतलब ये क्या है, जब उत्पादन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो बंदी लागत तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि आमदनी तो जीरो है और खर्चा हम इतना कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, या लाभ अलाभ का बिंदु है, न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, यदि ये पूछ लिया जाए तो जहां पर हमारा टी आर और टी सी इक्वल होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, या लाभ अलाभ का बिंदु जहां पर कुल आय और कुल लागत बराबर होती है, न लाभ है न हानि, तो लाभ अलाभ का बिंदु है वो। तो ये भी हमारा वही है, ब्रेक इवन पॉइंट या लाभ अलाभ का बिंदु। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या ले जाएं, नीचे ले जाते हैं। अब हमारा क्या हुआ, इन दोनों का अंतर, टी आर और टी सी का अंतर, ये देखो ये अंतर मेरा क्या है, मैक्सिमम है। तो प्रोड्यूसर ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करके संतुलन में है, वह यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करा। यदि वह एक इकाई कम या एक इकाई अधिक उत्पादन करेगा तो उसके लाभ क्या हो जाएंगे, पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अपोजिशन ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर इट इज नॉट वांट टू मूव, तो वहां जहां से वो हिलना ही नहीं चाहता। तो ये
वो पॉइंट है ओक्यू मात्रा, जहां से प्रोड्यूसर की लाइन नहीं जाता, यहाँ पर वो उत्पादन करके क्या कमा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा है। इससे इस साइड आएगा, एक इकाई कम करेगा तो भी उसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, एक इकाई अधिक करेगा तो भी उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो प्रॉफिट कर्व को हम निकाल सकते हैं, इसे यहीं पर चाहो यहीं पर निकाल सकते हैं, अलग से चाहो नीचे ऐसे लेकर करना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जितना ये ऊपर है उतना ही प्रॉफिट कर्व क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसको ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर हमारे क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट है तो इसको ऐसे लेकर के ये हमारा क्या है प्रॉफिट है। तो इस पॉइंट के यहाँ हमारा लॉस हो रहा है, इसके बाद भी देखो टीआर नीचे है टीसी ऊपर है, ये भी हमारा क्या दिखाता है लॉस। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो रैशनल ह्यूमन बींग है, जो हर फैसला क्या लेता है सोच समझ कर लेता है, तो वो क्या हम कहेंगे कुल टीआर और टीसी अप्रोच के आधार पर हमारा जो प्रोड्यूसर है वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, जहां पर टीआर और टीसी का जो डिफरेंस है जो गैप है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब है दूसरा है हमारा मिनिमम लॉस। अब टी आर और टी सी के द्वारा हमारा प्रोड्यूसर वहां पर भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जहां पर उसको क्या हो रहा हो मिनिमम लॉस हो रहा। देखिएगा मिनिमम लॉस क्या होता है, सिर्फ जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी हानि को हम क्या कहेंगे न्यूनतम हानि कहेंगे। जब तक प्रोड्यूसर को हमारी वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहती है वह प्रोडक्शन करता रहेगा, लेकिन जब उसको हम कहेंगे कि जब उसको हमारी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट भी जेब से देनी पड़े वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्योंकि जब घर बैठे उसे घर बंद फैक्ट्री उसने बंद कर दी तो उसको क्या होगा सिर्फ बढ़ी लागत की हानि होगी, वो उसको सहन कर लेगा। लेकिन जब परिवर्तनशील लागत की भी हानि हो जाए तो बंद करना फायदेमंद है, वो उसको अपनी जेब से तो नहीं भरनी पड़ेगी, कम से कम बंद करने पर फिक्स्ड कॉस्ट की हानि होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट की हानि तो अल्पकाल में उसको उठानी ही उठानी पड़ेगी, चाहे वो प्रोडक्शन जारी रखे चाहे वो प्रोडक्शन क्या कर दे बंद कर दे। लेकिन उसको जब वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा मिलता रहता है तो डेफिनेट है वो प्रोडक्शन क्या करता जारी रखेगा, क्योंकि अभी तो उसको क्या मिल रही है फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है, और जब बंद कर देगा तो वो भी अपने हाथ से उसको धोना पड़ेगा, वो भी अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। तो मिनिमम कॉस्ट होती है जब तक उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है वो प्रोडक्शन क्या रखेगा जारी रखेगा, लेकिन जब उसको वेरिएबल कॉस्ट की भी हानि होनी शुरू हो जाती है तो प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्योंकि फिर तो क्या है बंदी लागत ही अपनी जेब से देनी है, वो भर लेगा बंद करके भर लेगा। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है तो कुछ प्रोड्यूसरों के दिमाग में होता है कम से कम छीना चौड़ा करके चलूंगा, ये तो कहलाऊंगा कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, तो इसलिए वो प्रोडक्शन जारी रख सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारा होता है टी आर, इस साइड हमारा आउटपुट है, इस साइड टी आर एंड टीसी है मेरी, ये टी आर है और यहाँ ओरिजिन से शुरू जो होता है ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और ये हमारी टीसी है, ये अंतर किसका है फिक्स्ड कॉस्ट का, क्योंकि टोटल कॉस्ट किसका सम होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहां पर इस पॉइंट पर ओक्यू मात्रा का उत्पादन करके उत्पादक क्या रहेगा संतुलन में रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको यहां पर क्या उठानी पड़ रही है टी, सिर्फ किसकी हो रही है बंधी लागत की हानि हो रही है, प्रोड्यूसर को पूरी की पूरी परिवर्तनशील लागत मिल रही है तो वह उत्पादन जारी रहेगा, यह हानि किसकी है बंधी लागत की हानि। लेकिन यदि वह इस बिंदु से हिल जाता है एक इकाई कम या एक इकाई अधिक प्रोड्यूस करने की सोचता है तो देखिएगा, तो यहां देखो उसको इतना मिल रहा है क्यू वन ई वन मिल रहा है,
तो ये हमारी बंधी लागत की हानि है और इतनी परिवर्तनशील लागत भी अपनी जेब से उसको देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर तो कोई प्रोड्यूसर जाना ही जाएगा, उत्पादन वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो सिर्फ यही ओक्यू मात्रा का उत्पादन करके ही उत्पादन क्या रहेगा, हमारा संतुलन में रहेगा। और यदि वह एक इकाई अधिक प्रोड्यूस करता है, ओक्यू टू प्रोड्यूस करता है, तो भी यहाँ पर उसको इतना लॉस हो रहा है। ये कहाँ है, ए टू क्यू टू, तो हमें क्या मिल रही है, आय मिल रही है, इतनी तो हमारी कीमत है। और हमें इतना नुकसान हो रहा है जिसमें से ए टू टी वन क्या है, हमारा परिवर्तनशील का नुकसान है। तो कंजू हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक पॉइंट पर, जहां पर उसकी कॉस्ट मिनिमम है, और वो पॉइंट कौन सा है, ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करके ही हमारा उत्पादक क्या होता है, संतुलन में होता है। न इससे पहले न इससे बाद में वो संतुलन में होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या थी, पीआर एंड टीसी अप्रोच थी। और किस टाइम में हमारा संतुलन होगा, अल्पकाल में प्रोड्यूसर का संतुलन दर्शाने के लिए पहली अप्रोच थी हमारा पीआर एंड टीसी अप्रोच। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।